तेरी बात मिलवाई उनने कूट कूट के मारा ना हमारी बेटी को, ऐसे उसको भी सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल। मैंने जो है आरुषि को राहुल के साथ देखा था यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि वो आरुषि उस बच्ची को जानती है, उनने दीदी हाय बाय करी है, तो वो ये कहते हुए चल चल मोमोस ले ले। फिर हमने अंदर की तरफ थोड़ा सा गए तो जब हमने जाके देखा तब वहाँ पे बच्ची हमें दिखाई, बच्ची का सर कुचला हुआ था, हम देखते ही वापस हो गए, हमारे डर लगा, फिर इसलिए हमने पुलिस को पहले ही फोन कर रखा था। मेरी बच्ची 9 साल की है, छोटी बच्ची है। राजेंद्र, राजेंद्र है मेरा, ये छोटा बेटा है। ये दुख, ये क्रंदन अपनी 9 साल की फूल सी बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का है। तस्वीरें बाहरी दिल्ली के नरेला की, जहां बीती रात 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली मासूम को पत्थर से कुचलकर मार डाला गया। परिजनों के मुताबिक बच्ची रात 10 बजे से घर से गायब थी। घर वालों को इसकी भनक तब लगी जब बच्ची की माँ काम से वापस घर लौटी। घर आकर माँ ने बच्ची के बारे में पूछा तो परिवार के किसी सदस्य को उसकी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। परिजनों और पड़ोसियों ने बच्ची की तलाश शुरू की। बच्ची नहीं मिलने पर परिजन पास में मौजूद मस्जिद में लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट के लिए पहुंचे, जहां एक महिला ने बच्ची से जुड़ी जानकारी दी तो सभी के होश फाख्ता हो गए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद है। सईद जी, क्या हुआ, क्या है पूरा मामला? अभी हमें जो मालूम चला है, हम यहाँ पे 2 घंटे से है, जब से हमारी कॉलोनी तकरीबन 10 बजे जो है, हम बता दी माता जी खाना खाने के बाद जो है वो बच्ची 10 बजे से जो है गायब थी। नॉर्मली है इनकी जो लड़की की जो अम्मा थी वो पड़ोसी चौका बर्तन का काम करती हैं, वो खाना बनाने गई थी 10 बजे 10:30 बजे वो आती हैं, तो अब्बा इनके अंदर जितने बच्ची खेल रही होगी, 10:30 बजे जब बच्ची की माँ आई है, उन्होंने पूछा है बच्ची का नाम आरुषि है, उन्होंने पूछा आरुषि कहाँ है, तब कहा उसके अब्बू ने कही पापा ने उसके बाहर ही होगी, तो देखा तो दादी अलग कमरे में सोती है, दादी के यहाँ पूछा कि दादी है बच्ची, तो वहाँ भी नहीं, तो तब सब जो है इनके 2 चाचा हो रहे सब जो है और दोस्त वगैरह सब मिलके उनको ढूंढने लगे। ये जो लड़के का नाम बताया जा रहा है राहुल का, राहुल भी इनके साथ ढूंढने में था, कई घंटे इन्होंने ढूंढा। मस्जिद के पास जब ऐलान कराने के लिए गए तो मस्जिद के पास एक बच्ची ने बताया, लड़की है वो शादीशुदा है, उनने ये बताया कि मैंने जो है आरुषि को राहुल के साथ देखा था यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि वो आरुषि उस बच्ची को जानती है, उनने दीदी हाय बाय करी है, तो वो ये कहते हुए चल चल मोमोस ले ले, ये कह के जो है इसको ले गया। तो ये बात जो है राहुल से नहीं पता चली, उस बच्ची ने उस लड़की ने जब बताई है, तो फिर इसके घर वालों ने राहुल को पकड़ा। किस हालत में बच्ची मिली थी? ये है देखो, यहाँ पर राहुल को जब पकड़ा तो राहुल ने बस कहा मैंने यहाँ तक छोड़ा, फिर यहाँ पे जब ढूंढा है हमारे भाई ये इन्होंने देखा यहाँ पे ढूंढते ढूंढते सब जगह ढूंढा, अंदर जब गए हैं तो इस हालत में पाया है। अभी तक जो है हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही देखने की, पूरा सर जो है कुचला गया है। कितने साल की है बच्ची? बच्ची जो है 9 साल की है। चश्मदीद महिला का दावा है कि उसने बच्ची को आखिरी बार पड़ोसी राहुल के साथ देखा था, जो भीड़ के साथ बच्ची को ढूंढने निकला था, जिसके बाद परिजनों को राहुल पर शक गया। लाख पूछने पर भी राहुल ने बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्या हुआ था, क्या तेरी बात मिलवा दो मुझे, ऐसे उनने कूट कूट के मारा ना हमारी बेटी को, ऐसे उसको भी सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल। क्या हुआ था शुरू से बताइए, क्या हुआ था? नहीं मिल रही, बोला 10 बजे से गायब है, बोला तेरे पास है, मैं बोली नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास थी है, मेरे पास नहीं थी। बोलने लगे चले ढूंढो वाले दूसरे वाले भाई का फोन आया, बड़े वाले के जिसकी लड़की थी उसका फोन आया, तो बोला क्या नाम है, चल ढूंढवा ले, तो हम पारक आरक में सब ढूंढते रहे, वो कह भी रहा क्या नाम है, वो बोला क्या वो लड़का भी ढूंढवा दे रहा बतला रहे, उनने मगर बतलाया नहीं हमें, क्या नाम है मेरे संग आ रही वहाँ पर गई थी मोमोज लेने गए थे, और फिर यूँ बोला इधर से चौक के बोली इधर चली गई या इधर चली गई मुझे नहीं पता लगा। अच्छा तो मेरे भाई ने किरवान पकड़ ली उसकी, बोला देखो तो बतलाएंगे, फिर भी नहीं बतला रहा कुछ भी नहीं। मेरी बेटी 10:30 बजे राहुल लेके आया है, हम घर में खाना खा रहे थे, वो खाना खा के निकली है, घर में से बुलाया, उसका बाप एम्स में नौकरी करता है, वो काम पे से आया, आके नहा धोकर सो गया, वो भी रोटी खा के,
उसकी माँ खाना बनाने जाती है, खाना बना के आई अभी 10:30 बजे, तो उसने आके पूछा अरुषि कहाँ है, तो उसने कहा नहीं है कि हम सारी जगह जब भागे ऊपर में लेटी हुई थी तो मेरे को पंखे में नहीं आवाज आई, जब मेरे दरवाजे बड़बड़ाया मैंने कहा नहीं अरुषि मेरे पास नहीं है, फिर मैं भागी नीचे, मेरे तीनों बच्चे भागे, तीनों बहुएं भागी, हमने एक एक बालक छान मारा, नहीं अब वो लड़का साथ में है, अब वो लड़का नहीं बता रहा कि मेरे साथ गई है, उसने नहीं बताया। किसने नहीं बताया? उस लड़के ने, राहुल ने। कौन है राहुल, क्या करता है? हमारे पड़ोस में रहता है, प्रदीप है, कुछ नहीं करते जी, चोरी डकैती करनी है उनको, बाप ने अभी 15 लाख का मकान बेचा है बगल का। छानबीन के दौरान बच्ची का शव घर के पास की झाड़ियों में मिला, शव को पत्थरों से कुचला गया था। परिजनों का आरोप है कि राहुल बच्ची को मोमोज खिलाने के बहाने घर से लेकर गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। शव की शिनाख्त नहीं हो सके इसीलिए सिर को उसने पत्थरों से कुचल दिया। अच्छा ये बताइए जो राहुल जो नाम बता रहे हैं आप लोग, ये कौन है? ये कितने बजे निकले में रहता है ये? कितने बजे निकली थी घर से? 10:30 बजे। तो कैसे पता चला गुड़िया यहाँ पर है? तो बड़े भाई ने देखा टाइम ज्यादा हो गया, ढूंढने में लगा हुआ सब सहेली, उसे पता लगा 11-12 बजे भी कंप्लेंट करी हमने, जब पता लगा फिर हम इधर किसी ने बोला इधर की तरफ और देख लो पूरे जंगल यहाँ पर देखा, जब देखा बिल्कुल कुछ नहीं मिली हुई है। आरोपी राहुल पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ जारी है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।